वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आपका बजट कम है और आप किसी पॉपुलर ब्रांड की एक शानदार कार लेना चाहते हैं तो आपको आज का वीडियो अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम मोस्ट पॉपुलर ब्रांड की 10 नई कारों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं, जिनमें से कुछ कारें मिडिल क्लास बजट के लिए बिल्कुल फिट होंगी। सभी कारें लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। कार कंपनियां अगले 6 महीनों में भारत में अपनी अपडेटेड कारों को लॉन्च करने की योजना बना रही हैं। इन नई कारों की टेस्टिंग भी शुरू हो गई है। कारों को भारत के अलग अलग शहरों में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। तो हमारी 10 अपकमिंग कारों की लिस्ट में भारतीय ग्राहकों की पसंदीदा ब्रांड टाटा, महिंद्रा, मारुति, होंडा, ह्यूंडई आदि की कारें शामिल हैं। आने वाली इन 10 नई कारों में आपको कई लेटेस्ट फीचर्स देखने को मिलेंगे। ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने सभी कारों को बेहतरीन डिजाइन किया है, जो शानदार राइडिंग अनुभव प्रदान करेंगी। वीडियो में हम आपको आने वाली इन 10 नई कारों के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, डिजाइन, इंजन, प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में डिटेल से जानकारी देने जा रहे हैं, तो आपको अपनी पसंदीदा कार चुनने में मदद करेंगे। हमें ट्रस्टेड कार वेबसाइट से सारी जानकारी इकट्ठी कर ली है, तो जो लोग नई कार लॉन्च का इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। तो चलिए बिना और टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है जीप कैंपास 5th एनिवर्सरी एडिशन। दोस्तों, जीप ने अपने 5th एनिवर्सरी एडिशन को टेस्ट किया है और जल्दी इसे भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रही है। नई जीप कैंपास में 5th एनिवर्सरी एडिशन का लोगो मिलेगा। जीप 5th एनिवर्सरी एडिशन के इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन में भी काफी अपडेट किए जाने की उम्मीद है। केबिन को न्यू अपहोल्स्ट्री के साथ अपडेट किए जाने की उम्मीद है। मैकेनिकली नई जीप कैंपास स्टैंडर्ड मॉडल से अपरिवर्तित रहेगी। पावर ट्रेन में कैंपास 5th एनिवर्सरी एडिशन में 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन या 2.0 लीटर डीजल इंजन विकल्प के साथ पेश किया जाएगा। पेट्रोल इंजन 163 एचपी का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है, वहीं डीजल इंजन का मैक्सिमम पावर आउटपुट है 173 एचपी। दोनों इंजनों को मैनुअली और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा। कीमत की बात करें तो कैंपास 5th एनिवर्सरी एडिशन को 19 से 27 लाख के बीच खरीदा जा सकता है। लॉन्च डेट की बात करें तो जीप के इस लेटेस्ट मॉडल को भारत में नवंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, नई जीप कैंपास महिंद्रा XUV 700, किया सेल्टॉस और ह्यूंडई टैक्सन को कड़ी टक्कर दे सकती है। नंबर 2 पे है 2023 टाटा हैरियर फेसलिफ्ट। दोस्तों, टाटा मोटर्स कई सारे अपडेटेड फीचर्स के साथ अपना नया टाटा हैरियर लॉन्च करने जा रही है। हाल ही में इस गाड़ी को महाराष्ट्र की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। गाड़ी के फ्रंट फेशिया को ग्रिल, हैंड लैंप्स और बम्पर से अपडेट किया गया है, जो गाड़ी को अधिक अट्रैक्टिव लुक देता है। इसके अलावा हैरियर फेसलिफ्ट में नए अलॉय व्हील्स, नया बड़ा टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी मिल सकता है। कार के स्टीरियो सिस्टम को भी अपडेट किया जा सकता है। दोस्तों, अपकमिंग टाटा हैरियर को एडास फीचर्स के साथ डिजाइन किए जाने की उम्मीद है, जहां कई यूनिक फीचर्स मिलेंगे। पावर ट्रेन में आने वाली हैरियर फेसलिफ्ट को कोई नई पेट्रोल मोटर मिलने की उम्मीद नहीं है। इसमें वही 1.5 लीटर टर्बो ग्रैड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 150 एचपी का अधिकतम पावर आउटपुट देता है। मौजूदा हैरियर और सफारी में सेम क्रियोटिक 2.0 लीटर टर्बो डीजल मोटर है। पेट्रोल इंजन को मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प के साथ पेश किया जाएगा। कीमत की बात करें तो नई टाटा हैरियर एक बजट फ्रेंडली कार है, जिसे आप महज 14 लाख में खरीद सकते हैं। लॉन्च डेट की बात करें तो हैरियर फेसलिफ्ट को अगले साल यानी कि 2023 के बीच में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, आने वाली टाटा हैरियर्स को महिंद्रा XUV 700 और MG हेक्टर से कड़ी टक्कर हो सकती है। नंबर 3 पर है मारुति बलेनो क्रॉस कॉप CSUV। दोस्तों, अपकमिंग मारुति बलेनो क्रॉस एक मिड साइज SUV मॉडल है, जिसका लुक काफी अट्रैक्टिव है। नई बलेनो क्रॉस कॉप SUV मारुति के हार्टेक प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। कार को कई सारे शानदार फीचर से डिजाइन किया गया है, जो बेहतर परफॉर्मेंस सुनिश्चित करता है। पावर ट्रेन की बात करें तो नई क्रॉस कॉप SUV में सुजुकी का 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन दिया जाएगा। कीमत की बात करें तो नई क्रॉस कॉप SUV मिडिल क्लास बजट में फिट होगी। गाड़ी की शुरुआती कीमत 10 लाख जो कि 15 लाख तक जा सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो नई मारुति बलेनो क्रॉस फरवरी 2023 में भारत में लॉन्च होगी। नंबर 4 पे है 5 डोर फोर्स गोरखा। दोस्तों, हाल ही में 5 डोर फोर्स गोरखा को महाराष्ट्र में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था। अपकमिंग फोर्स गोरखा 6, 7 और 9 सिटिंग लेआउट में उपलब्ध होगी। डिजाइन में 5 डोर गोरखा 3 डोर गोरखा से बहुत अलग होगी। दोनों मॉडल की LED डे टाइम रनिंग लैंप्स के साथ सर्कुलर हेडलैंप्स, बोनट माउंटेड टर्न इंडिकेटर्स, फ्रंट बम्पर और ब्लैकेड आउट ग्रिल पर आधारित है। गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो 5 डोर गोरखा और 3 डोर गोरखा में थोड़ा सा अंतर होगा। 5 डोर गोरखा का व्हील बेस 3 डोर गोरखा से 400 mm लंबा होगा। 5 डोर गोरखा की सभी बॉडी पैनल्स नए डिजाइन किए गए होंगे। साथ ही गाड़ी के रियर क्वार्टर एरिया और ग्लास हाउस को भी नया रूप दिया गया है। 5 डोर गोरखा और 3 डोर गोरखा के बीच एक और अंतर यह है कि 5 डोर गोरखा डुअल टोन 18 इंच अलॉय व्हील पर सवारी करेगा, जबकि 3 डोर गोरखा 16 इंच अलॉय व्हील पर सवारी करता है। 5 डोर फोर्स गोरखा के इंटीरियर में कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा मॉडल के एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ आफ्टर मार्केट
कीनवुड टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और मौजूदा मॉडल के अन्य फीचर्स मिलेंगे। पावर ट्रेन में 5-डोर गोरखा में मौजूदा मॉडल में 2.6 लीटर डिजाइन इंजन दिया जाएगा, जिसमें की स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से जोड़ा गया है। कीमत की बात करें तो आने वाले 5-डोर गोरखा फोर्स की शुरुआती कीमत होगी 15 लाख से 17 लाख तक जा सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो इस लेटेस्ट कार को 2022 के फेस्टिव सीजन में भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। नंबर 5 पे है महिंद्रा XUV 400 EV। दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक कार बाजार धीरे धीरे अपना पैर जमा रहा है। लगभग हर टॉप कार निर्माता मैन्युफैक्चरिंग कर्व जोर दे रहा है। पॉपुलर कार निर्माता महिंद्रा XUV 400 मॉडल के नाम से भारत में एक नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल ही में इस कार को चेन्नई में टेस्टिंग के दौरान देखा गया था। अपकमिंग महिंद्रा XUV 2 वेरिएंट रेगुलर और लॉन्ग रेंज वर्जन में उपलब्ध होगी। ये गाड़ी ओरिजिनल सांगयोंग टिवोली प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाली XUV 400 के डिजाइन में एडवांस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। नई XUV 400 EV में नए अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और एयर टिकट टेल लैंप्स के साथ अपडेट होने की उम्मीद है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक कार एडास फीचर्स के साथ आ रही है, जो कि उसका कंपटीशन में खड़ा होना सुनिश्चित करता है। पावर के मामले में नई महिंद्रा XUV 400 में 350V और 380V का हाई क्वालिटी बैटरी पैक मिलता है। XUV 400 के रेगुलर वर्जन की रेंज होगी 2000 किलोमीटर, जबकि लॉन्ग रेंज वर्जन 375 किलोमीटर का मैक्सिमम रेंज प्रदान करेगा। कीमत की बात करें तो आने वाली महिंद्रा XUV 400 को आप 18 से 22 लाख के बीच में खरीद सकते हैं। लॉन्च डेट की बात करें तो महिंद्रा की ये शानदार इलेक्ट्रिक कार 2022 के फेस्टिव सीजन में भारत में लॉन्च होगी। दोस्तों, अपकमिंग XUV 400 EV का टाटा निसॉन EV मैक्स और प्राइम MG ZS EV और ह्युंडई कोना से कड़ी टक्कर होने की संभावना है। नंबर 6 पर है 2023 सुजुकी वैगनआर। दोस्तों, सुजुकी का ये मॉडल शानदार लुक के साथ आ रहा है, जो ग्राहकों को ध्यान खींचेगा। गाड़ी 10 कलर विकल्प में उपलब्ध होगी। इसमें रेड और ब्लू कलर शामिल है। साथ ही कुछ नए कलर्स जैसे कि डस्ट ब्लू, मेटालिक टेराकोटा, पिंक मेटालिक, फॉगी ब्लू, पर्ल मेटालिक, मून लाइट वायलेट, पर्ल मेटालिक आदि भी शामिल है। बॉडी कलर सिंगल टोन और ड्यूल टोन इन दो विकल्प में उपलब्ध होगी। सुजुकी वैगनआर के मल्टीपल कलर ऑप्शन ग्राहकों को अपनी पसंद का रंग चुनने का एक बड़ा अवसर प्रदान करते हैं। गाड़ी के डिजाइन में हाई टेक्नोलॉजी, शानदार परफॉर्मेंस, कंफर्ट और सेफ्टी फीचर्स का उपयोग किया गया है, जो बेहतर सवारी अनुभव प्रदान करेगा। की फीचर्स में नई वैगनआर में एक रिवर्स फ्रंट फेशिया मिलेगी। यहां अपडेटेड फ्रंट ग्रिल और फ्रंट बम्पर उपलब्ध होगा। पावर ट्रेन में नई सुजुकी वैगनआर को 660cc इनलाइन ट्रिपल पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और मिडल हाइब्रिड के साथ टर्बो चार्ज फॉर्म इन दो वेरिएंट में उपलब्ध होगा। इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और CVT गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा। कार का माइलेज होगा 25.2 किलोमीटर प्रति लीटर। कीमत की बात करें तो आने वाली सुजुकी वैगनआर कम बजट वाले ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है, जिसकी शुरुआती कीमत होगी 6,04,000, जो कि 8,04,000 तक जा सकती है। दोस्तों, 2023 सुजुकी वैगनआर 2023 की शुरुआत में भारत में लॉन्च होगी। नंबर 7 पर है 2023 होंडा जैज फेसलिफ्ट। दोस्तों, होंडा अपनी फोर्थ जनरेशन होंडा जैज फेसलिफ्ट लॉन्च करने जा रही है, जो कई वर्जन में उपलब्ध होगी, जिसमें बेसिक, लक्सस RS, क्रॉस्टर्स आदि शामिल होंगे। सभी वर्जन्स को अलग स्टाइल में डिजाइन किया जाएगा। RS वर्जन में अपडेटेड बम्पर्स के साथ स्पोर्टी फ्रंट फेशिया, बड़े एयर इंस्ट्रैक और रियर स्पॉइलर मिलेगा। कार के इंटीरियर डिजाइन में एक नेटली डिजाइंड लेयर्ड डैशबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 9-इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, 7-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा गाड़ी में एडास सेफ्टी फीचर्स भी मिलेगा। पावर ट्रेन में होंडा जैज RS वर्जन में 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो कि 109 BHP का मैक्सिमम पावर आउटपुट और 253 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है। गाड़ी की टॉप स्पीड होगी 175 किलोमीटर प्रति घंटा। कीमत की बात करें तो अपकमिंग होंडा जैज मिडिल क्लास बजट में पूरी तरह से फिट होगी, जिसे आप 10 से 12 लाख के बीच में खरीद सकते हैं। फोर्थ जनरेशन होंडा जैज 2023 के बीच में भारत में लॉन्च होगी। दोस्तों, नई होंडा जैज का ह्युंडई i20 और मारुति सुजुकी बलिनो से कड़ी टक्कर होने की संभावना है। नंबर 8 पर होंडा स्टारगेजर MPV। दोस्तों, अपकमिंग स्टारगेजर MPV बेस एक्टिव ट्रेंड और प्राइम टॉप वेरिएंट में उपलब्ध होगी। कारों की सेल के मामले में ह्युंडई भारतीय बाजार में दूसरे नंबर पर है। प्राइम टॉप वेरिएंट के आगे की तरफ जोड़ी और पहली LED DRL फॉग लैंप्स, एक ब्लैक कलर की अलग ग्रिल और कॉड LED हेडलैंप्स मिलेंगे, जिसकी ट्रेंड वेरिएंट में DRL के बजाय क्रोम स्ट्रिप, नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स, हाइलोजन्स, हाइलाइट्स और ग्रिल मिलेंगे। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में प्राइम वेरिएंट में क्रोम डोर हैंडल मिलते हैं, जबकि ट्रेंड वेरिएंट में ये बॉडी कलर्ड है। दोनों वेरिएंट को ही 16 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। प्राइम टॉप के इनसाइड में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। प्राइम और ट्रेंड दोनों वेरिएंट में एक जैसा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा। दोस्तों, पावर ट्रेन की बात करें तो आने वाली ह्युंडई स्टारगेजर को किया कारेंस में मौजूदा वही इंजन का सीट का विकल्प मिलेगा, जिसमें की 138 BHP पावर आउटपुट का 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 113 BHP पावर
पावर आउटपुट का 105 लीटर डीजल इंजन मिलेगा। कीमत की बात करें तो नई स्टारगेजर एमपीवी 13 लाख से 17 लाख के बीच में भारत में उपलब्ध होगी। लॉन्च डेट की बात करें तो हुंडई की ये शानदार कार अप्रैल 2023 में भारत में लॉन्च होगी। दोस्तों, आने वाली हुंडई स्टारगेजर का मारुति सुजुकी एर्टिगा और किया कार से कड़ी टक्कर हो सकती है। नंबर 9 पर है ऑल न्यू ऑडी Q3। दोस्तों, अपकमिंग न्यू जेन ऑडी Q3 MQB प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। नई ऑडी Q3 में एक फ्रंट एंड डिजाइन है जो कि ब्रांड की प्रमुख Q8 SUV से प्रेरित है। नई ऑडी Q3 पुराने मॉडल से तुलना में थोड़ा लंबा है, चौड़ा होगा और इसका व्हील बेस ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रीमियम कार में डे टाइम रनिंग लैंप्स के साथ मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स, एक बड़ा फ्रंट ग्रिल और हैलोजन फॉग लैंप है। आने वाली ऑडी Q3 के इंटीरियर फीचर्स की बात करें तो कार के केबिन में पूरी तरह से नया रूप दिया जाएगा, जहां 10.25 इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले की उम्मीद है। इसके अलावा इनसाइड में 10.1 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन है, 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल और पार्क असिस्टेंट मिलने की उम्मीद है। पावर ट्रेन की बात करें तो कंपनी इनसाइड स्पीड के लिए नई ऑडी Q3 में 2.0 लीटर फोर सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन दे सकता है, जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट होगा 190 HP। इंजन को 7 स्पीड DST गियरबॉक्स से जोड़ा जाएगा। कीमत की बात करें तो न्यू जनरेशन ऑडी Q3 मिडिल क्लास बजट के लिए थोड़ी टाइट हो सकती है। इस प्रीमियम कार की शुरुआती कीमत होगी 40 लाख, जो कि 50 लाख तक जा सकती है। लॉन्च डेट की बात करें तो ऑडी Q3 सितंबर 2022 में भारत में लॉन्च होगी। दोस्तों, न्यू जेन ऑडी Q3 का मर्सिडीज KLA BMW XI और वोल्वो XC40 से कड़ी टक्कर हो सकती है। नंबर 10 पर है वोल्वो C40 रिचार्ज EV कॉप SUV। दोस्तों, स्वीडिश कार निर्माता कंपनी वोल्वो एक शानदार इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर रही है, जो कि अग्रेसिव लुक और स्टाइल डिजाइन में कॉम्बिनेशन में है। वोल्वो C40 रिचार्ज भारत में कार निर्माता के लिए दूसरा ऑल इलेक्ट्रिक मॉडल होगा, जो कि कोर प्लस और अल्टीमेट इन तीनों ट्रिम में आता है। अपकमिंग वोल्वो C40 रिचार्ज के एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन की बात करें तो इसमें स्लोपिंग रूफ लाइन होगा, रियर को स्मॉल स्पॉइलर, अलग टेल लैंप्स और ट्विन पॉड रूफ स्पॉइलर के साथ नए में डिजाइन किया जाएगा। इनसाइड में वही डैशबोर्ड लेआउट मिलेगा जो कि XC40 में है। पावर के मामले में इस लेटेस्ट SUV को 78 kWh का पावरफुल बैटरी पैक मिलता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज होगी 451 किलोमीटर। कीमत की बात करें तो नई वोल्वो C40 रेंज थोड़ी महंगी कार है, जिसे आप 55 लाख में खरीद सकते हैं। लॉन्चिंग डेट की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक मॉडल 2023 के बीच में भारत में लॉन्च होगा। दोस्तों, नई वोल्वो C40 रिचार्ज किया EV6 और हुंडई लॉनिक 5 से कड़ी टक्कर हो सकती है। तो दोस्तों, इन नई 10 कारों में से आप कौन सी कार खरीदना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी लेटेस्ट कारों की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई कारों की अपडेट के साथ।